दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज शिक्षक भर्ती के संबंध में जो नियम संशोधित हुए हैं, राजपत्र जारी हुआ है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। शिक्षक भर्ती में ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% पद होंगे आरक्षित। राजपत्र हुआ जारी। सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 18 में संशोधन हुआ। शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। भोपाल से आज की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार 27% और अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 10% का आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में शासन ने मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 18 में संशोधन कर राजपत्र जारी कर दिया है। इसके अलावा सीधी भर्ती के पद पर शुरुआत के 3 वर्ष की परीक्षा अवधि होगी। इस नोटिफिकेशन के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक व माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए पीवी द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों को काउंसलिंग शुरू होने की समस्या हल हो गई है। तो दोस्तों यह है खबर, अर्थात आज भी शिक्षक भर्ती की नियमावली में परिवर्तन हो रहे हैं और उन नियमों के अनुसार शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% पद पर आरक्षित किया जाएगा। दोस्तों यह आरक्षण ओबीसी को 27% यानी पहले 14% था, जिसे बढ़ाकर 27 कर दिया गया और सामान्य वर्ग में से 10% पद आरक्षित कर दिए। वह आरक्षित पद सिर्फ मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को ही मिलेगा, क्योंकि आरक्षित पदों पर संपूर्ण देश के उम्मीदवार परीक्षा दिए हैं और उन्हें इसका फायदा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी लिया जाता है। इसके कारण मध्य प्रदेश के राज्य के जो चयनित अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो वंचित रह जाते हैं, जबकि अन्य राज्यों में देखा जाए तो उन्हें स्थान नहीं दिया जाता। इस प्रकार सामान्य वर्ग की और सीट कम हो